नमस्कार, आप देख रहे हैं सिन न्यूज। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात साबित किया है मोदी सरकार ने। जिस विकसित देश की कल्पना और सपना जनता ने देखा था, वो सच की ओर बढ़ता दिख रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। पीएम मोदी ने देश को हाइड्रोजन पावर बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई है, जिसका देश के उद्योगपति ने खुलकर स्वागत किया है। गडकरी भी ऐसे ईंधन को बढ़ावा देने की लगातार बात करते रहते हैं। इसी बीच परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कार से संसद भवन तक सवारी करके आते हैं। लेकिन ये कार मामूली नहीं है, बल्कि बहुत खास है। वो कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप इन वीडियोस को देख लीजिए। खुशी और गर्व की बात यह है कि भारतीय सड़कों पर भी जल्दी हाइड्रोजन कारें फर्राटे से दौड़ती दिखेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बुधवार को इसकी सवारी की। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कार धुआं नहीं बल्कि पानी छोड़ती है। ये पहल पर्यावरण के हित में है। दरअसल केंद्रीय मंत्री इस एडवांस कार में सवार होकर आज संसद भवन पहुंचे। इस दौरान स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली ये कार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस कार को टोयोटा कंपनी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और इसमें एडवांस फ्यूल सेल लगाया गया है। यह एडवांस सेल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बिजली पैदा करता है। इसी बिजली से कार चलती है। उत्सर्जन के रूप में इस कार में सिर्फ पानी निकलता है। इस पर नितिन गडकरी ने अपना मत भी रखा है और कहा है कि ये कार पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है और इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता है। उन्होंने आगे कहा कि ये कार भारत का फ्यूचर है। पेट्रोल और डीजल इंजन वाली कारों से काफी प्रदूषण फैलता था, लेकिन हाइड्रो फ्यूल सेल कार से बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता। आपको बता दें, इंडियन मार्केट ने इस कार को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अपनी पहली हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई लॉन्च की। इसे सबसे पहले नितिन गडकरी ने भारत में लॉन्च किया है। नितिन गडकरी ने इस कार को फ्यूचर बताया है। वजह है इस कार का ही नाम। दरअसल मिराई का जापानी मतलब ही फ्यूचर होता है, यानी कि भविष्य। टोयोटा ने इस कार के लिए हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल सिस्टम डेवलप किया है। दरअसल ये भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो हाइड्रोजन यूज कर चलने के लिए जरूरी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। इसके फ्यूल टैंक से हाइड्रोजन की सप्लाई फ्यूल सेल स्टैक को की जाती है। ये कार चारों ओर हवा में मौजूद ऑक्सीजन को खींचती है, फिर इन दोनों गैसों के केमिकल रिएक्शन से पानी यानी कि H2O और बिजली जनरेट होती है। बिजली का इस्तेमाल कार को चलाने में होता है, जबकि पानी साइलेंसर से बाहर आ जाता है। आपको ये अनोखी कार कैसी लगी और इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देखते रहें इससे न्यूज़। धन्यवाद।